लग रहा है इस बार किसकी सरकार आने वाली? मैं तो ये बोल रही हूँ, आयुष्मान स्कीम वो भी फेल। हाँ, तो मोदी सर ने तो लाइनों में लगा के रखा हुआ है सभी। पहले आए तो 2000 के नोट बदलवाने के लिए, तो अब क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? 15 लाख की वो बोल रहे गारंटी दी थी, क्या हुआ? आम आदमी के लिए तो कुछ भी नहीं हुआ। हम तो अपने आप कमा रहे और खा रहे। कोरोना में कुछ नहीं हुआ, कोरोना में दिया गेहूं दिया, वो जो बेकार था सारा हम लोगों को दे दिया। तो मोदी अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि हम गरीबों की सरकार है, लग रहा है गरीबों के लिए काम कर। नहीं, अमीरों की सरकार है मोदी सरकार। अच्छा, हाँ, अमीरों की सरकार है। हाँ। अच्छा, महंगाई कम करने का वादा किया था मोदी जी ने, लग रहा है महंगाई बढ़ाई है। हाँ। कम कुछ नहीं हुआ। हाँ। कम कुछ नहीं, गरीब आदमी के लिए तो खाना मुश्किल कर दिया उन्होंने। अच्छा, महिलाओं की काफी बात करते हुए नजर आते हैं, तो क्या लगता है कि गैस सिलेंडर के दाम कम नहीं हुए तो किस तरीके से 200 में बढ़ा रहे हैं और 10 रुपए में सस्ता कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मोदी जी बोल रहे थे वो विधवा को पेंशन होगी, बुढ़ापा पेंशन होगी, सभी लोग गाड़ियां निकाल रहे हैं उनको। अच्छा, इंसानों को रोटी मिल नहीं रही है, आप पशुओं की गायों की बात कर रहे हो। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि आप बात को समझिए। आप ये जो भी कहते हैं कि हम फ्री दे रहे हैं या फ्री ले रहे हैं, अरे फ्री कौन दे रहा है? नरेंद्र मोदी जी खुद बट्टल कसी उठा के दिहाड़ी कर रहे हैं और कमा के दे रहे हैं क्या? हमारे टैक्सेस के पैसे से नहीं जा रहा है, फ्री कौन दे रहा है? वो तो सारी एक बात बताऊं, मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूं, जब अंदर बैठते हैं ना, चाहे पार्लियामेंट है चाहे सुप्रीम कोर्ट है, ये सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। आपने कभी जीवन में देखा है कोई मर्सिडीज गाड़ी के अंदर उतर के कोई झगड़ा करने गया हो, कोई इस तरह का बात कर रहा हो या कोई स्टेज पे नेता वेता? देखिए, ये 25 करोड़ लोगों को इन्होंने इंटरनेट दे दिया। आप एक महीने के लिए इंटरनेट बंद करके देख लीजिए। हाँ। एक महीने के लिए इंटरनेट बंद करके देख लीजिए, 25 करोड़ लोग वाकई काम मांगने लग जाएंगे। अब बात की वास्तविकता को समझ नहीं रहे। मैं कुछ पॉइंट सोशल मीडिया पे भी हाईलाइट नहीं कर सकता, ऐसी ऐसी अंदर की बातें हमें पता है कि जो हम बता नहीं सकते पब्लिकली। ये जो कह रहे हैं ना कि फ्री दे दिया, फ्री कुछ नहीं भाई, नरेंद्र मोदी अपने घर से कुछ नहीं लेके आए, वो यही दिल्ली आए थे, एक धोती चादर बांध गया और उन्होंने सब यहीं से लिया। उनको ये जो बंगला मिला हुआ है, इनका टैक्स भी, इसका भी जो पैसा है ना बिजली का, वो हमसे देते हैं, हमारे टैक्सेस में से पैसा जा रहा है। फ्री कौन दे रहा है? चाहे अरविंद केजरीवाल है, ये तो जनता के चुने हुए नुमा। देखिए, बात सुनिए, एक बात समझ लीजिए, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर है, चाहे प्रेसिडेंट है, चाहे कोई भी पोस्ट है, चाहे पार्षद है, चाहे एमएलए एमपी है, ये कोई भी है, देखिए ये जितने भी घोड़े गाड़ी हैं, जो लाव लश्कर इनकी सिक्योरिटी है, इनके जो नौकर चाकर है, इनके जो खाना पीना जो सब चीज़ है, ये जनता के टैक्स से इनको पैसा आ रहा है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो व्यक्ति तनख्वाह के ऊपर काम करेगा वो कर्मचारी की श्रेणी में आता है, चाहे वो कांस्टेबल है, चाहे डीजीपी है, चाहे वो इंस्पेक्टर है, एसपी है कोई, चाहे वो एयरफोर्स में है, नेवी में है, बीएसएफ सीआरपीएफ कोई डिपार्टमेंट है, बात समझ रहे हैं? तो जो तनख्वाह ले रहा है वो तो कर्मचारी। आज प्राइम मिनिस्टर की 5 लाख रुपए सैलरी है, तो 5 लाख रुपए तनख्वाह भी तो काम कर रहा है, अकड़ किस बात की है? अगर वो 10 दिन एब्सेंट रहेगा अपने ऑफिस से, उसकी तनख्वाह कट जाती है उतनी। और जो फैसिलिटीज उनको मिली है, कोई मोबाइल फोन का या भत्ता वत्ता या कोई फ्लाइट की टिकटें मिल रही हैं, वो तो यार हर आदमी आजकल दिल्ली में जो रह रहा है वो तो सारे ये आजकल तो बहुत अच्छे, जो भी 20-25 साल मेहनत करेगा उसको मिलेगा ये। तो नरेंद्र मोदी कोई इतना कोई भगवान कृष्ण का अवतार नहीं है जो आप इस तरह, पहली सबसे बात समझने की कोशिश है कि जो सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है वो ये है कि जो 25 करोड़ लोगों का मतलब जो शोषण किया जा रहा है, इसको वैश्विक सच्चाई नहीं माना जा सकता। मैंने 25-30 देश ट्रैवल किया है, मैंने बहुत देश, मैं अभी दिसंबर में जापान में था, आप सोच भी नहीं सकते, जापान इतना अल्ट्रा एडवांस कंट्री है कि हम 1000 साल नहीं बराबरी कर सकते। 8G चल रहा है वो, 8G चल रहा है, बाद 8G की ने पूरे जापान के अंदर वाईफाई है, मतलब आप कहीं चले जो उसको मतलब इंटरनेट का कोई एक सॉफ्टवेयर अपलोड करो और वो करो। चाइना जाके देखो ना, तो फेसबुक चलता है, ना व्हाट्सएप है, ना ऑरकुट है, ना ट्विटर, कुछ भी नहीं है, वो सारा देश सुबह काम पे निकलता है शाम को आता है। सिंगापुर जाके देखो, आप सिंगापुर में रहोगे ना, चाहे आप सिंगापुर का कोई एरिया देख लो, लिटिल इंडिया, चाइना टाउन, रेड हिल, मार्सलिंग एक्सपो, यूनस, कोई एरिया देख लो, सारा देश सुबह 6:30 बजे काम पे निकलेगा, 8 बजे अपने ऑफिस में पहुंच जाएगा, शाम को 7-8 बजे निकलते हैं, 9-10 बजे घर आते हैं। दोपहर के टाइम में पूरे कंट्री में शोर नहीं होता, ये जो पक्षी है ना, जो ये पेड़ पे जो चिड़ियाँ वगैरह, इनका चहचहाट है, या जो बाइक है, जो ये जो कारों का शोर है, बस ये पूरे देश में इसी का शोर होता है, कोई ऐसा है ही नहीं। आप किसी भी डेवलप नेशन में जाके देखो यार, हम किसके आज कोई बात पूछते हैं, हम तो जी सड़कें बना रहे हैं, हम तो
जी पानी पिला रहे हैं, हम तो लैटरिन बना रहे हैं जी, हम तो वहाँ पे हैंडपंप लगा रहे हैं, हमने तो वहाँ पे आटे गया वो कनक गेहूँ बांट दिया। अरे यार 75 साल हो गए यार आजाद हुए को, अब क्या तुम ये आटा दाल और बिजली के बल्ब बदलवा इनके लिए करा, जिन्होंने देश का कानून बनाया था, जिन्होंने सेक्रीफाइस 7-8 लाख तो माओ के बच्चे शहीद हो गए तब दया जाके आज़ादी मिली। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री पढ़ना आप, 1939 से 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था और यूके ने जब हमें आज़ादी दी थी इंग्लैंड ने, उस टाइम था क्या हमारे पास यार, एक कलेक्टर के घर में टेबल फैन नहीं होता था जी, एक IAS ऑफिसर के घर में टेबल फैन नहीं होता था। 1989-90 तक कुछ भी नहीं था हमारे पास यार, अब बात को समझो। और 2014 तक की बात सरदार मनमोहन सिंह का बहुत अच्छा, जब ये 1991 में पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने थे, जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, ये उदारीकरण वैश्वीकरण यही तो सारे लाए थे कांग्रेस के। देखो आप कंप्यूटर राजीव गांधी लाया, बात को एक्सेप्ट करो, अगर उन्होंने कोई बढ़िया काम किया ये नहीं कह देना कि वो मुसलमान है, वो मस्जिद में उसकी फोटो खींच के जूम करके कह दिया कि भाई ये गलती कर गया और बस इसके पीछे लग जाओ 25 करोड़ लोगों को फ्री में इंटरनेट। आज सबसे बड़ी बात, किसी एक आदमी ने ये नहीं पूछा कि इंटरनेट चलता कैसे है। क्या लग रहा है आपको किसकी सरकार आने? देखो ये आप राहुल गांधी है कैमरा बंद करके ने पूछोगे कि कौन सी सरकार आ रही तो वो बता दे। कांग्रेस को राष्ट्र अध्यक्ष चुके तो अगर 400 आ रही है तो सरकार तो हरे के काबू है, पूछ लो कोई बता दे मोदी की आ रही है। तुम्हारा क्वेश्चन जो होना चाहिए क्यों आवेगी, क्यों आवेगी, क्यों आवेगी जो होना चाहिए। देखो पहले 370 अधिकार जो न्यू कहते हैं कि 370 भाई तो यहाँ तिरंगा उठाएगा पैदा न होगा, 370 ऐसी जमीन में गा रही है। कांग्रेस न्यू कहती है कि दोबारा 370 लेके आएंगे, क्या फायदा हुआ 370 हटने का? 370 जी फायदा भय है कि पहले कटोव है और जम्मू कश्मीर मानो जातू माँ के लोग भारत के कटोव है मानते, आज जो भारत में समायोजित कश्मीर मानो जाता है। तो वहाँ पर जमीन ले लो 50 गज भाई, जब इतना वो है और वहाँ से 370 हट गई तो भैया 50 गज का प्लॉट ले लो वहाँ पे और इसमें हमें भी दुआ दो, हम भी ले लेंगे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। क्या जमीन ले रहे हैं लोग? जमीन तो देखो भारत में कई प्रदेश है, जी हिमाचल हो, हिमाचल में जमीन नहीं ले सकते तुम, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। सुनो तो फिर इसमें करोगे की एक बात बताओ, सुनो 2000 वो 1990 की जितनी भी फिल्म है ना, 90 से पहले की फिल्म देख लो सारी जम्मू कश्मीर में होती है, वहाँ पे शूटिंग होती थी, हीरो हीरोइन वहाँ पे जितने भी पूरा जितनी भी टीम हमारी काम करने के लिए जाती थी यहाँ से मुंबई से, वो सबके सब वहाँ पे रहते थे, होटल में रहते थे, किसी के ऊपर कोई हमला नहीं होता था, तो लोग तो पहले भी आते जाते थे वहाँ, पहले भी आते जाते थे। तो क्या नया क्या हुआ है? 370 हटाएगा कौन? आतंकवाद का BAP प्रायोजित कर रही माठिया, कौन आतंकवाद है मैं प्रायोजित कर रहा हूँ? अभी ये आतंकवाद वहाँ की बात कर रहे हैं, मैं आप यूपी का गिना दूँ, अभी एक हमारे बहुजन समाज के दलित व्यक्ति को बाबा साहब का पोस्टर लगाते चलते पुलिस वालों ने गोली मार दी गई, बताइए ये शासन के तो BJP का, बाबा साहब डॉक्टर VR अम्बेडकर पोस्टर लगाने गुनाह है जिन्होंने संविधान बनाया, संविधान निर्माता का अपमान करोगे आप? वो तो कहा जा रहा है चीन लद्दाख के अंदर पूरा घुसने की कोशिश कर रहा है। अम्बेडकर जी का अगर कोई सम्मान करते है तो भारतीय जनता पार्टी करते हैं, और जो सुनिए नेता देखिए संविधान बदलने की बात करते हैं, कौन कौन गई है बदलने की? उनके खुद के अनंत हेगड़े, कौन सा नेता है? कोई नेता नहीं है संविधान की, कहां से बात लेके आओ? तो संविधान बदलिए, देखिए सुनिए अनंत हेगड़े के बारे में, कछू ऐसी हमारी IPC CRPC में धाराएं जो अंग्रेजों ने की है उन्हें बदली जाएंगी, वो न्याय है, न्याय बदलना नहीं है, न्याय देवा पब्लिक के, पहले न्याय थोपो जाता है, गुंसे को डाटी जाए तो न्याय होगा, न्याय मिलेगा तो होगी, क्या ना होगी? नहीं ले रहे राशन फ्री, एक पोस्टर लगा दिया, एक पोस्टर लगा दिया उसके लिए बोल रहे हो, किसी के दरवाजे पे लगा पोस्टर बने तो करेगा ही, वो ग्राउंड में लगा रहा था वो बंदा, ग्राउंड में ठीक है बात सुनो, पहले पोस्टर लगा रहे ग्राउंड में लगा रहा था, पता ही नहीं है तुम्हें कहां का पोस्टर था वो। अच्छा ये बताइए, बोला जाता है मुफ्त राशन दिया जा रहा है, मुफ्त राशन मोदी का 5 साल से लिए जा रहे वो नहीं पता आपको? अरे वो थोड़ी राशन सारा राशन। अच्छा ये बताइए मुफ्त राशन की जगह शिक्षा फ्री मिल रहा है राशन? पहले सवाल सुन लीजिए, देखिए मुफ्त राशन की जगह मुफ्त शिक्षा क्यों नहीं करी जा रही है, रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है?
मैडम एक बात बताओ, हर चीज उत्तर प्रदेश के अंदर जो चीज हो रही है धीमे धीमे सारी व्यवस्था होगी। एकदम ये नहीं है कि यहाँ पे केजरीवाल ने शिक्षा मुक्त कर दी, इलाज मुक्त कर दिया, वहाँ पे जिस तरीके से यहाँ की जनता में और यूपी की जनता में बहुत फर्क है। यहाँ 2 करोड़ जनता है, वहाँ 22 करोड़ जनता है। 22 करोड़ की जनता के लिए थोड़ा थोड़ा करके सब व्यवस्था होगी धीमे धीमे, एकदम से नहीं हो जाएगी। 22 करोड़ की जनता के लिए बिजली मुक्त, पानी मुक्त, सब चीज हो जाए। 10 साल हो गया मोदी जी गारंटी लेकर। अभी मोदी जी ने राशन फ्री करा है, लोगों को राशन मिल रहा है हर महीने। उसके बाद अब जीतेंगे, उसके बाद और काम होंगे, फिर नई गारंटियां देंगे, फिर अगर वो पूरी नहीं हुई। पूरी जो कर रहे हैं वो कर ही रहे, पूरी यूपी के अंदर शौचालय मिल गया सबको। ऐसा घर कोई नहीं है जिसमें शौचालय नहीं है, बिजली नहीं हो घर में। 2014 से पहला यूपी में शौचालय नहीं था ना, नहीं था। यो मेरा भाई सही कह रहा है। देखो लखनऊ बहुत बड़ा शहर माना जाता है यूपी का, वहाँ भी लैट्रिन नहीं थी, वहाँ भी टॉयलेट नहीं था, वहाँ भी शौचालय नहीं था। सुनो उत्तर प्रदेश में जो सीएम हाउस है ना, जहाँ पे मुख्यमंत्री का निवास है, वहाँ भी भैया कोई शौचालय नहीं था। सीएम से सुनो, योगी से पहले जितने भी सीएम आए ना, सारे खेतों में जाते थे। हमारी बात सुनो, ये बात कर रहे हैं शहर की, शहर में तो खेत है नहीं। गांव की जनता जो है ना, गांव की जनता वो खेतों में ही लैटरिन जाती थी 2014 से पहले। 2014 के बाद जब से मोदी आए हैं, धीमे धीमे करके आज हर घर घर में लैटरिन है। इनकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर मोदी जी बाकी में अच्छा कुछ करना चाहते जनता के लिए, देश के लिए, तो आप रहे, आप कुछ मत बांटो, फ्री मकान मत दो, राशन मत दो, आप एजुकेशन फ्री कर दो। बोलो, कर सकते हैं क्या? मेरी बात सुनो, इन्होंने जो बात बोली, इनकी बात सुनो, ये जो बात कर रहे हैं एजुकेशन की बात कर रहे हैं, मैं जो कह रहा हूँ मेरी सुनो। 2024 के अंदर, 2024 के अंदर ये कह रहे हैं ना शहरों में लैटरिन थी, अगर शहरों में लैटरिन थी ना, मेरी बात सुनो, बात तो एजुकेशन भी होगी तो धीमे धीमे एकदम नहीं होगी। इतना 18% जीएसटी क्यों लगाया गया ऐसे? सुनो सुनो, अगर 18 भाई साहब सुनो सुनो, 70 सालों में शिक्षा के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगी, आज इस सरकार ने 18% जीएसटी लगा दिया, गरीब के बच्चों को कैसे शिक्षा मिलेगी? नौकरी को तो छोड़ दो, आज तो शिक्षा के भी लाले हैं, नौकरी के तो है ही है, रोटियों के तो है ही है, शिक्षा के भी होगी। अब तो ये देश का विकास है। अच्छा ये बताए, मुफ्त राशन क्या बात करते हैं, मुफ्त राशन दिया जा रहा है, क्या वो मुफ्त राशन को वो 1200-900 रुपए के गैस में एक गरीब आदमी बना पाएगा? नहीं, एक बात बताओ, एक ही चीज है, आप एक राशन को ले रही हो। अरे मोदी जी, योगी जी ने, आप 3 गाय घर में पाले बैठे हो ना आपने, तो 1000 रुपए पर गाय को मिल रहा है, घर में, और 2.5 लाख घर में मिल रहा है। ये सही कह रहे हैं।